नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका टाइटन्स पर। आ चुका हूं दोस्तों नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वेल दोस्तों, आप सभी को चैट जीपीटी के बारे में ज़रूर पता होगा, जिसमें आप जो भी होता है टेक्निकल क्वेश्चंस जो होता है या कोई भी सवालों के जो जवाब है वहां पे दोस्तों जो आंसर है आपको मिल जाता है। चैट जीपीटी आपको पूरा जो आंसर है वो दे देता है। ओके, लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको अपने लाइफ के बारे में कुछ जानना है, मतलब आपका समझिए आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेस है उसको कम कैसे करना, अगर आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, तो वो चीज़ें कहाँ से मिल सकती है? तो बड़े बड़े पर्सनैलिटी है जिन्होंने कहा है ऑलरेडी, इन सभी सवालों के जवाब जो होते हैं आपके रिलेटेड टू जो लाइफ, आपकी लाइफ की जो भी तकलीफें होती है, जो भी इश्यूज़ होते हैं, उन सबका जो सॉल्यूशन है वो एक जगह पर है जिसका नाम है भगवद गीता। और ये सभी आपको सभी को चीज़ें पता होंगी, बड़े बड़े पर्सनालिटी का ये आंसर्स होता है कि भगवद गीता में सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि हमको वो चीज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। अगर कोई वो चीज़ पढ़ता है तो इट्स वेरी बेनिफिशियली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के टाइम में किसी को इतना टाइम नहीं मिलता और सबको अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनके सॉल्यूशन चाहिए, कि इंस्पिरेशनल चाहिए, एक एडवाइस टाइप चाहिए, तो इसे कौन प्रोवाइड कर सकता है? तो दोस्तों इसका भी कभी सॉल्यूशन आ चुका है। इंटरनेट जो है हम जिन्हों नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें दोस्तों कुछ लोगों ने उस चीज़ को भी इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब आप अपना कोई भी प्रॉब्लम अगर डालते हो वहाँ पे, तो फ्रॉम भगवद गीता में जो लिखा है सॉल्यूशन वही आपको दोस्तों आपके प्रॉब्लम के हिसाब से बराबर वो आपको सॉल्यूशन दे देता है। तो क्या है वो सॉल्यूशन, वो हम देखने वाले आज के इस वीडियो में। जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही दोस्तों इसका एक अल्टरनेटिव है, उसका नहीं, ये तो थोड़ा डिफरेंट है, पूरा लाइफ से रिलेटेड बताता है, उसका नाम है गीता जीपीटी। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हो यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्टली जो कहते हैं ना भगवद गीता के जो भी है चैप्टर या वर्सेस जो होते हैं उनमें से जो भी आंसर्स है वो आपको मिल जाएंगे आप अगर अपना क्वेरी यहाँ पे टाइप कर दे तो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता, हार्ड मीन्स अगर समझिए मैं ऐसा पूछ लेता हूँ, इनकेस अगर आप में से कोई ऐसा हो भाई लाइफ से लाइक स्ट्रेस आ गया हो, तो अगर मैं ऐसा पूछता हूँ कि आई एम इन स्ट्रेस, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, हमको क्या मिलता है। तो ये देखिए आप देख सकते हो, अर्जुना यू आर नॉट अलोन इन योर स्ट्रेस, कृष्णा सेज इन भगवद गीता, आई थिंक इसको हम कहते हैं चैप्टर 2:14। तो उसमें से उसने वो जो है लाइन है एक्सट्रैक्ट करके दिया है इंग्लिश में, देख सकते हो, द क्रिएटेड बीन आर अनमैनिफेस्ट इन दियर बिगनिंग, मैनिफेस्ट इन दियर मिडल स्टेट एंड अनमैनिफेस्ट अगेन इन दियर एंड। तो ऐसा बहुत लंबा पैराग्राफ है जो मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, लेकिन आप देख सकते हो उसने कितने अच्छे तरीके से फ्रेम करके डायरेक्टली आपको भगवद गीता से दिया है। तो यहाँ पे आप अपने एडवाइस भी ले सकते हो, आप अपने लाइफ रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेजेस भी है, हिंदी का भी लैंग्वेज है। अगर मैं हिंदी यहाँ पे करता होते थे कि हिंदी में चेंज हो गया, और मैं अगर सेम मैं लिखता हूँ आई एम इन स्ट्रेस, एक्चुअली मैं हूँ नहीं वैसा तो, बट मैं नॉर्मल एक डाल रहा हूँ क्वेश्चन कि देखते हैं क्या देता है हमको। तो देखिए इसने सेम दिया है, बस ट्रांसलेट करके इसने क्या किया हिंदी में दिया है, सुरजित प्राणी अपनी शुरुआत में अव्यक्त होते हैं एसेट जो भी है पैराग्राफ वो आपको पढ़ लेना। तो कोई भी अगर ऐसा लगता है आपको कि भाई कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कुछ एडवाइस चाहिए हमको फ्रॉम भगवद गीता, तो यार ये वेबसाइट बहुत अच्छा है। इवन मैंने इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे डाल के ट्राई की है कि हाउ टू मोटिवेट इन लाइफ ये सब, तो उसने उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिया भी है। लाइक अ ग्रेट मोटिवेटर या एक मेंटर होता है ना, उसने एक वैसा स्टेटमेंट में देता है। तो अगर ऐसा है कि बाबा आप भगवद गीता नहीं पढ़ पाएंगे, अगर पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ पाते, तो आपके लिए दोस्तों गीता जीपीटी है वो बना है यहाँ पे ऑलरेडी। आई थिंक इसको इंडियन डेवलपर्स ने ही बनाया होगा, तो उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो जो भी आपके प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस है बस यहाँ पे आप डाल दीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये जीपीटी पसंद आए जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और हाँ यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस तो मत डाल देना, एक कुछ लोग गलती कर देते तो यहाँ पे वो नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये जो जीपीटी पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी ज़रूर पता चलना चाहिए कि भाई ऐसा भी एक जीपीटी है, तो वो भी अपना प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार दोस्तों चैनल के कंटेंट को ज़रूर देख लीजिए, ऐसे और रिलेटेड वीडियो, प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो और मैं डालते रहूँगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहूँगा उसको आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।